हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है। ठीक है, उसके बारे में हम दो तरह की पोस्ट का एग्जांपल लेंगे। एक तो जेई सिविल होगी और एक कॉमन ग्रेजुएट बेस। ठीक है, जेई सिविल में वैकेंसी है 880, ये है कैटेगरी वाइज। सभी कैटेगरी की नहीं ली हैं, जनरल, EWS, SC, BC भी BCA के लिए हैं। इनका 4 टाइम्स होता है, ये जनरल 1396, EWS 328, SC 584, BC 268 और BCA 456। ठीक है, ये आए थे 95 में से लिस्ट आई थी रैंक वाइज। तो 85,000 जनरल में है, 58,106, EWS में 25,158, SC में 22, BCA में 28 और BCB में ये। तो एग्ज़ाम देने के लिए किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है। जनरल में एग्ज़ाम देने के लिए एक पोस्ट पे, यानी जो एग्ज़ाम लेंगे सिर्फ वो, और ये मान रहे हैं कि सभी सिविल के होंगे, तो इस हिसाब से 41.6 होगा। EWS में 76.67, SC में 38.9, BCA में 61.8 और BCB में 97.3। यानी सबसे ज़्यादा कंपटीशन BCB में होगा। 2-3 अजम्पशन है। पहली तो ये है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है सभी तरह में, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी, और दूसरी ये 95 में से है। देख लेना 5 नंबर किस कैटेगरी में ज़्यादा मिलते हैं उस हिसाब से। यानी सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा BCB में। टेक्निकल में बात करें, फिर होगा EWS में, फिर होगा BCA में, फिर होगा जनरल में, और सबसे कम होगा SC में। बात करें ग्रेजुएशन बेस की, ये 50 में से लिए हैं और ये मानना है कि सभी सिविल वाले टेक्निकल वाले पर होंगे नहीं, पर आइडिया के लिए। ठीक है, ये है ग्रेजुएशन बेस, इतनी इतनी है कैटेगरी वाइज, 4 टाइम्स होता है इतना। और ये है 59.69 से ज़्यादा। जनरल में है 18,000, SC में 4,000, BCA में 7, BCB में 7.5 और EWS में 9। तो एक पोस्ट में एग्ज़ाम लेने के लिए कंपटीशन है, जनरल में है 1.92, SC में 1.175, BCA में 2, BCB में 3.5 और EWS में भी लगभग BCB जितना ही है। इन्हें एग्ज़ाम लेने के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन है EWS में, ये बिना 5 नंबर ऐड करी है और 5 नंबर ऐड करने का देखना। फिर है BCB में, फिर है BCA में, फिर है जनरल में और फिर है SC में। ठीक है, आप समझ गए होंगे किस में कितना कंपटीशन। थैंक यू।